सो हमने अभी देखा कि स्फेरिकल लेंसेस किस तरह के होते हैं, जब दोनों सरफेसेस को इस तरह से काट दिया जाए कि जो कर्व बने वो किसी स्फीयर का पार्ट हो, तब हम उसे कहेंगे एक स्फेरिकल लेंस। सो टू स्फेरिकल लेंस हमने पढ़ लिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। नाउ अब हमने ये इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, अब जैसे हमने मिरर बनाया था, उसको सिल्वर पेंट कर दिया तो वो मिरर बन गया, लेकिन उससे एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई थी, जैसे कि पोल या सेंटर ऑफ कर्वेचर या अपर्चर, फोकस, ऑल दीज। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज थी ये हमें हेल्प करती थी किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को या लाइट को पढ़ने में, समझने में, कि लाइट रे जब किसी मिरर से टकराती है तो वो किस तरह से पास होती है या किस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है या कहीं और कुछ होता है। तो ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए हमने उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करी थी अपने तरीके से। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो लेंस पढ़ने वाले हैं, दीज आर स्फेरिकल लेंसेस, और हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हर दूसरे या तीसरे इंस्ट्रूमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि स्पेक्ट्स बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये जो लेंस होता है, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए कि किस तरह से लाइट इससे टकराती है, हमने कहा कि ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे काम करता है। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे इसमें होता है, किस तरह से होता है, उसे समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लेट अस डिस्कस दोस टर्मिनोलॉजीज। वी विल राइट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंस, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दी स्फेरिकल लेंसेस। ओके, सो वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अपर्चर। ओके, तो याद कीजिए हमने मिरर में किस तरह से अपर्चर को डिफाइन किया था। वी डिफाइंड अपर्चर इज व्हाट, अपर्चर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ दैट मिरर। उस मिरर के दो ऊपर और नीचे के दो आखिरी पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस होता था उसे हम कहते थे अपर्चर। सेम यहां पे भी हम कहेंगे व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंस। ऑफ द लेंस मीन्स अगर हम यहां पे देखें तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो एंड पॉइंट्स है वो कौन से हैं, वो ये ए है और ये बी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस डिस्टेंस ए बी विल बी द अपर्चर ऑफ दिस लेंस। सिमिलरली इसमें एंड पॉइंट्स कहाँ है, ये पूरी सरफेस सेम है तो इसके मिड में हम मान लेते हैं ए और इसके मिड में हम मान लेते हैं बी। सो दिस ए बी, दिस लेंथ ए बी इज बेसिकली द अपर्चर। सो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में अपर्चर जो था दैट इज ए बी, एंड हेयर ऑल्सो इट इज ए बी, मतलब एंड पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज द अपर्चर। और अगर हम, ये तो साइड व्यू था, अगर हम इसे सामने से देखें तो अपर्चर क्या दिखेगा, अपर्चर दिखेगा कि ये जो लेंस है, जो ये डिस्क है, ग्लास की डिस्क है जिसे हमने लेंस बनाया, इस डिस्क का डायमीटर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इस डिस्क का जो डायमीटर है दैट विल बी नोन एज अपर्चर। सेम हियर, यहां पे भी इस डिस्क का जो डायमीटर है दिस विल बी नोन एज अपर्चर। साइड व्यू देखा तो ये एंड पॉइंट्स ऐसे दिख रहे थे, अगर हमने इसको सामने से देखा तो ये सर्कुलर दिख रहा है, ये सामने से देखा सर्कुलर दिख रहा है, ये साइड से देखा तो इस तरह से दिखाई देगा। सो दीज आर द अपर्चर ऑफ दिस लेंस। ओके, देन आफ्टर अपर्चर, अपर्चर के बाद वी विल डिफाइन नेक्स्ट, हमने क्या डिफाइन किया था याद कीजिए, मिरर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सी चीज डिस्कस की थी हमने, स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल मिरर जो नाम दिया था, मतलब वो किसी स्फीयर का पार्ट था। अब ऑब्वियसली बात है, एक स्फीयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ सेंटर एंड अ रेडियस। सो यहां पे भी
हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे. द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? कर्वेचर मींस कर्व सरफेस. तो जो कर्व सरफेस है, हमने कहा कि वो एक स्फीयर का पार्ट है, इट मींस उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, क्योंकि एक स्फीयर बनाने के लिए हमें कम से कम एक सेंटर और एक रेडियस की आवश्यकता होती ही है. तो हमने देखा कि ये सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट है, ये कुछ इस तरह से बनी हुई है. इट मींस ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा. तो लेट्स से वो सेंटर कहीं यहां पे लाए कर रहा है, इसे हम नाम दे देते हैं C2. ओके, वो सेंटर यहां पे कहीं लाए कर रहा है तो इसे हमने नाम दे दिया C2. दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेकिन मिरर में तो एक सरफेस होती थी, बट लेंस में कितनी सरफेसेस हैं? दो. इसका मतलब क्या यहां पे सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? नहीं, यहां पे इन स्फेरिकल लेंसेज में हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको देखने को मिलेंगे. इसलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करते हैं. वी विल नॉट से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी विल से सेंटर्स ऑफ कर्वेचर. वी विल से इट सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बिकॉज दो अलग अलग सेंटर हमें दिखाई देंगे. हमने देखा कि इस सरफेसेस की, इस सरफेस के लिए तो ये वाला सेंटर फिक्स हो गया, लेकिन अभी एक सरफेस और बाकी है. कौन सी? दिस वन. इस सरफेस का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इस सरफेस का जो सेंटर होगा लेट से वो यहां पे कहीं लाई करता है, एंड इट विल बी नोन एज C1. सो C1 इज व्हाट? C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस. इधर वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और C2 क्या है? C2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस. लेट अस नेम दिस एज, दिस सरफेस को हम 2 बोल देते हैं, इस सरफेस को हम 1 बोल देते हैं. तो C1 क्या है? C1 इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और C2 क्या है? इस सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या सेम चीज हम कॉनकेव मिरर में भी डिफाइन कर सकते हैं? यस. क्यों? बिकॉज दीज टू कर्व्स आर अ पार्ट ऑफ स्फीयर. इट मींस ये भी कुछ इस तरह से स्केच हो रहे होंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस वन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ. तो इस सरफेस का भी कोई सेंटर होगा, लेट से वो कहीं यहां पे लाई करेगा, उसे हम नाम दे देते हैं C1. अब हमने देखा कि यहां पे जो ये C1 है ये इस सरफेस का सेंटर है, लेकिन यहां पे जो C1 है ये कौन सी सरफेस का सेंटर है? क्या ये इस सरफेस का सेंटर है? नो, ये इस सरफेस का सेंटर है, सामने वाली सरफेस. लेकिन यहां पे जो सामने वाली सरफेस थी इसका सेंटर उधर था, इधर वाली जो सरफेस थी उसका सेंटर इधर था, लेकिन यहां पे इस सरफेस का सेंटर इधर ही है और इस सरफेस का सेंटर उधर ही है. सो यहां पे हम कहेंगे कि दिस इज द सरफेस 1 और दिस इज द सरफेस 2, एंड इसका सेंटर विल लाई समथिंग हियर, दिस इज C2. दीज आर द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, एक C1 है एक C2 है, इस तरह से. अब ये जो C1 है और C2 है, और C1 एंड C2, दीज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, क्या ये मिरर से, सॉरी लेंस से इक्विडिस्टेंट होने जरूरी है? क्या ये लेंस से इक्विडिस्टेंट होने जरूरी है? नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इस लेंस से बराबर दूरी पे हो. बराबर दूरी पे होने का क्या मतलब है? कि जो दो कर्व सर्फेसिस बन रही हैं इन दोनों के रेडियस सेम हो. क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दो सरफेसेस बनी इन दोनों के रेडियस बिल्कुल बराबर हो. दो अलग रेडियस वाले सरफेसेस से भी हम एक लेंस बना सकते हैं. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन फर्दर क्लासेस. सो नेक्स्ट इज, हमने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर्स ऑफ विच द कर्व सरफेसेस, द 1 एंड 2 ऑफ विच द कर्व सरफेसेस आर अ पार्ट ऑफ. तो क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इन दो कर्व सरफेस के स्फीयर्स का सेंटर.
ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेकेंड टर्मिनोलॉजी। और हमने क्या डिस्कस किया था उस क्लास में जब हमने मिरर के बारे में पढ़ा था? मिरर में और भी हमने डिस्कशंस किए थे। एक टर्म हमने डिफाइन की थी जिसे हमने नाम दिया था पोल। पोल, व्हाट वाज पोल? पोल क्या था वहां पे? पोल किस तरह का पॉइंट था उस मिरर में? पोल वाज अ पॉइंट जो कि अपर्चर के बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है। जैसे कि ये अपर्चर है, इसके एग्जैक्टली मिड पे जो पॉइंट लाई करता है दैट पॉइंट विल बी नोन एज पोल। तो यहां पे ये अपर्चर है, दिस इज द अपर्चर, इसके मिड पॉइंट कहीं पे होगा, लेट अस से कहीं यहां पे, एंड दिस पॉइंट विल बी नोन एज पोल। ये जो पॉइंट है इसे हम पोल कहेंगे। सिमिलरली इसमें भी ए बी के बीच में एक पॉइंट होगा जिसे हम नाम देंगे पी पोल। वी विल डिस्कस पोल व्हेन वी डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय दीज लेंसेस। सो पोल क्या है? पोल इज बेसिकली इट्स अ पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अपर्चर, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ अपर्चर, बिल्कुल उसके बीचों बीच वो पॉइंट लाई करता है। क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पोल है दिस इज बेसिकली द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये इस डिस्क का सेंटर है? क्या यहां पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस पोल इज बेसिकली द सेंटर ऑफ डिस्क, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये हमने सामने से देखा, इसे जैसे ही पलटेंगे तो अल्टीमेटली जो कर्वेचर, जो अपर्चर है, अपर्चर विल नॉट गोइंग टू चेंज। जो लेंथ ए बी की यहां पे है वही लेंथ यहां पे भी रहेगी। तो इसको अगर आप ऐसा पलट भी दोगे तो ए बी विल रिमेन सेम और ए बी का मिड पॉइंट विल रिमेन सेम। ए बी का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ दिस डिस्क। व्हाई? बिकॉज ए बी को हमने क्या माना है? डायमीटर। ए बी क्या है? इस पूरी इस एज का यहां से लेके यहां तक का लेंथ, विच इज द डायमीटर ऑफ दिस डिस्क। ओके, सो दिस वॉज द पोल। पोल मतलब एक सेंटर पॉइंट जो कि इस अपर्चर पे होता है। नाउ अगर हम C1P और C2 को ज्वाइन करें, सिमिलरली C1P और C2 को ज्वाइन करें, सो ये तीनों एक ही लाइन पे लाए करेंगे। C1, C2 और पोल अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो दे विल लाय ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि C1, C2 एक पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं और P ऊपर या नीचे आ रहा है, इस तरह से नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और हम अगर तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उस तरह के पॉइंट्स को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब C1, P और C2 क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। यहां पे भी C1, P एंड C2 आर कोलिनियर पॉइंट्स। सो वी विल डिफाइन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कि हमें यहां से देख के मिल रही है। ये जो व्हाइट कलर का लाइन मैंने स्केच किया है जो C1, P और C2 को ज्वाइन करते हुए पास हो रही है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज बेसिकली इट इज द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 ऑफ अ लेंस। एक लेंस का सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट लाइन विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हमने मिरर में भी डिस्कस किया था। इन मिरर वी सेड जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन है दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या था? वहां पे हमारे पास सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसीलिए हमने एक पॉइंट पोल को अज्यूम कर लिया। लेकिन इस वक्त हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं कि आप पोल को कंसिडर करें। आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑटोमेटिकली दैट लाइन विल पास फ्रॉम पोल। वो पोल से पास होगी ही होगी, हमेशा ऐसा होगा, आप देख सकेंगे। और सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आप कहें कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है।
आप डायरेक्टली यू कैन से. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस. तो चारों टर्मिनोलॉजीज हम देख सकते हैं. दिस प्रिंसिपल एक्सेस ये किस तरह से है, ये अगर हम इस स्फीयर पे देखें, इस डिस्क पे देखें, तो इस डिस्क पे हमें दिख रहा है कि इसके साइड व्यू में ये ऐसी बीच में से पास हो रही है, इसको कट करते हुए पास हो रही है. तो यहाँ पे ये किस तरह से दिखाई देगी, यहाँ पे ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस सेंटर से बाहर आती हुई, ऐसा यहाँ से अंदर बोट के अंदर जाती हुई या फिर ऐसा बाहर आती हुई, समथिंग लाइक दिस. और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से, एंड दिस C1 C2 इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस C1 C2 इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो हम देख सकते हैं ये दोनों लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, इनमें डिफरेंस कितना सा है. सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो मैंने कट करा, जो लेंस को मैंने कट करा, इसको मैंने आउटवर्ड्स की तरफ कट करा और इसको मैंने इनवर्ट की तरफ कट करा, और ये जो कट करा इसके कारण दोनों लेंसेज अपने आप में बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. वी विल सी आफ्टर दिस कि ये दोनों लेंस ऐसा क्या होता है कि अगर मैंने सरफेस को बाहर की तरफ कट किया या अंदर की तरफ कट किया तो इतना क्या बड़ा डिफरेंस आ जाता है. डिस्क तो वही है लेकिन फिर भी दोनों बिल्कुल बदल जाते हैं, अलग अलग चीजें दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है. सो वी विल डिस्कस दिस, यू कैन नोट दिस. ओके, सो हमने अभी देखा कि लेंस में टर्मिनोलॉजीज अलग अलग तरह की होती है जो कि मिरर की टर्मिनोलॉजी से ऑलमोस्ट रिलेटेड है. कुछ मिरर की टर्मिनोलॉजीज एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो गई, जैसे कि अपर्चर हो गया या पोल हो गया, ये मिड पॉइंट जो होते हैं. ओके, सो अब हमने ये कहा था कि जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है, ये दो लेंस में डिफरेंस कुछ खास नहीं है. आप देखो तो है तो दोनों ही एक ग्लास की डिस्क, लेकिन बस कटिंग का तरीका अलग है. एक को मैंने ऐसा अंदर से काटा और एक को ऐसा मैंने बाहर से काटा. तो ये जो अंदर से और बाहर से ये काटने में डिफरेंस आया, इस डिफरेंस से क्या फिनोमेना में चेंज होता है, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस की ऐसी क्या खासियत है, इसे हमने क्यों बनाया, हमारे ये क्या काम आ रहा है, इस लेंस की क्या खासियत है. ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस हमने कहा कि ये कुछ कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है इसकी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसमें ऐसी क्या खासियत है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. अल्टीमेटली दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बिकॉज ये अंदर पूरा ग्लास है और बाहर एयर है, तो ये एक इंटरफेस एयर और ग्लास के बीच में बनता है. सिमिलरली ये दूसरा इंटरफेस एयर और ग्लास के बीच में बनता है. दीज आर द टू डिफरेंट इंटरफेसेस. नाउ जब हम इसके आर पार देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा इसको मैं उठा के ऐसा इसके आर पार देखने की कोशिश करूं, तो किस तरह से मैं देख सकता हूं. आई विल फाइंड कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस क्या होंगी, वो लाइट रेस इस मिरर पे आके, सॉरी इस लेंस पे आके कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेंगी. हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे है जो कि ऐसी आ रही है और इस मिरर पे स्ट्राइक करती है, इस लेंस पे. इस लेंस पे जब ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो इस पॉइंट के इधर पे क्या है, एयर, अंदर क्या है, ग्लास. इट मींस यहां पे क्या होगा, यहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा. अगर यहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से होगा, हम देखते हैं कि दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहां पे एक नॉर्मल रे कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं. नाउ लाइट इस तरह से जा रही थी सामने, लेकिन क्या ये सीधी जा पाएगी, ये ऐसी जा रही थी ऐसी जा पाएगी, ऑब्वियसली नॉट. ये कुछ बेंडिंग होगी. क्या होगी बेंडिंग, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तब उसमें जो बेंडिंग होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है. टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था.
पर यहां पे जो सरफेस है ये कैसी है, इसके इधर पे एयर है, अंदर क्या है ग्लास, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण ये क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है। तो लाइट रे जब इस पॉइंट पे टकराएगी, इट मींस यहाँ पे लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी, और जब ये रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी तो आई विल से कि ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। इट वॉज गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसी सीधी जा रही थी लेकिन अभी ऐसी टेढ़ी जाएगी। तो इट मीन्स ये इस पॉइंट पे बेंड हुई और ऐसी टेढ़ी चली गई। टेढ़ी जाने के बाद ये अगेन इस पॉइंट पे, दिस इज लेट से पॉइंट ए एंड दिस इज लेट से पॉइंट बी, ए पे रिफ्रैक्शन होने के बाद ये बी पॉइंट पे भी जाके टकराएगी। नाउ बी पॉइंट भी किस तरह का है, बी पॉइंट इज अगेन इट्स अ इंटरफेस बिटवीन एयर एंड ग्लास। इफ इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द एयर एंड ग्लास, हम देख सकते हैं कि लाइट रे इस वक्त इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम से और किस तरफ जा रही है, रेयरर मीडियम में। तो क्या होगा, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स और अवे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी, इट शुड गो समथिंग लाइक दिस, ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल किस तरह से होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नॉर्मल। इस नॉर्मल से लाइट रे अवे की तरफ बेंड होगी, थोड़ी सी बाहर की तरफ, मीन्स लाइट रे विल गो समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज पी ए जो थी वो इंसिडेंट लाइट थी, ए से बी जो गई लाइट रे ये रिफ्रैक्ट हुई और बी से सी अगेन रिफ्रैक्ट हुई, और फाइनली आप देख सकते हैं जो लाइट रे इस तरह से जा रही थी वो इस लेंस से टकराने के बाद ऐसी बेंड हो गई। अगर ये दोनों सरफेसेस बिल्कुल पैरेलल होती एक दूसरे के, तो क्या होता, तो लाइट रे में सिर्फ एक लेटरल शिफ्ट आता जो कि हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब में देखा था। लेकिन ये दोनों सरफेसेस पैरेलल नहीं है, ये दोनों सरफेसेस कर्व है और कर्व के बाद यहाँ पे आके मिल रही है। तो ये कर्व होने की वजह से क्या होगा, जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा कि लाइट रे सीधी आएगी और बहुत ज्यादा इस तरफ डेविएट हो जाएगी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ओवरऑल ये देखने पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, वी विल फाइंड कि ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हमें दिखेगा कि एक लाइट रे सीधी, बिल्कुल सीधी आ रही थी। हमें दिखेगा कि एक लाइट रे बिल्कुल सीधी इस तरह से आके इस मिरर पे, इस लेंस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद इस तरह से मूव करने लगती है। हमने दोनों रिफ्रैक्शन को नहीं बनाया, यहां पे हमने दोनों रिफ्रैक्शन को नहीं बनाया, हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया। क्यों? क्योंकि दोनों रिफ्रैक्शन हम देख सकते हैं कि इस तरह से हो रहा है, और यहां पे हमने लाइट रे इस तरह से गई और इस तरह से बेंड हुई। तो ओवरऑल हमने देखा कि लाइट रे बेंड किस तरह से थी, गोइंग लाइक दिस एंड इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे सिर्फ एक बार में हमने दिखा दिया कि लाइट रे ऐसी जाएगी और ऐसी। नाउ हम देख सकते हैं लाइट रे जा किस तरफ रही है, जो लाइट रे ऐसी स्ट्रेट आ रही थी वो लाइट रे इस वक्त प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड हो गई है। वी विल से कि लाइट रे लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये लाइट रे जो है ये कॉन्वर्ज हो गई है। जब भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड होती है तो हम कहते हैं कि ये लाइट रे कॉन्वर्ज हो गई है। तो यहां पे भी हम कहेंगे
कि ये लाइट रे ऐसी जा रही थी, लेकिन इस मिरर, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कॉन्वर्ज हो गई। दैट मीन्स ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लाइट को क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है। सो वी विल से कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जेस द लाइट रे। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे को कॉन्वर्ज करता है, हेंस वी विल कॉल कॉन्वेक्स लेंस एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस बिकॉज लाइट रे से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। हमने कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में पढ़ा है। कौन सा मिरर कॉन्वर्जिंग होता है? कॉनकेव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, और वहां पे मिरर में कॉन्वेक्स मिरर वॉज अ डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग मिरर है, तो कॉन्वर्जिंग लेंस है, देन व्हाट शुड बी द कॉनकेव लेंस? तो कॉनकेव लेंस को किस तरह से होना चाहिए? कॉनकेव लेंस, यस, इट शुड बी अ डाइवर्जिंग लेंस। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस किस तरह से। हमने एक इस तरह का एक कॉनकेव लेंस अज्यूम करा और देन इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, एंड वी विल सी कि अगर एक लाइट रे इस तरह से इस लेंस की सरफेस को स्ट्राइक करती है तो क्या होगा? यहां पे ऑब्वियसली बात है, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज इस सरफेस के बाहर एयर है और इस सरफेस के अंदर ये पूरा ग्लास है। यहां के बाद इस सरफेस के बाद वापस से एयर है, लेकिन इस सरफेस को क्या दिखेगा? दिस सरफेस कैन सी कि इसके यहां पे ग्लास है, इसके यहां पे एयर है। सो इट मींस लाइट इस वक्त जब एयर से ग्लास को यहां पे इंसिडेंट होगी तो लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रेयरर से डेंसर ट्रेवल कर रही है तो अगर इस तरह से हम एक नॉर्मल लाइन यहां पे ड्रॉ करें तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस जो लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही थी स्ट्रेट, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स ऊपर की तरफ। सो इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस और ये यहां पे जाके इस तरह से इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। इसे हम नाम दे देते हैं P। दिस पॉइंट इज लेट से A, दिस इज B। नाउ अगेन ये लाइट रे यहां से रिफ्रैक्शन के बाद जाके सेकेंड सरफेस को स्ट्राइक करेगी, एंड सेकेंड सरफेस इज अ इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर। इट इज द इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर। इट मीन्स यहां पे वापस से रिफ्रैक्शन होगा। सबसे पहले हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस नॉर्मल इज समथिंग लाइक दिस। और रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा? क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कैसे पता करें? अगेन दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयरर मीडियम। सो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। इट मीन्स इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये लाइट रे ऐसी जाती हुई जो लाइट रे थी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज बी सी। सो यू विल फाइंड कि जो लाइट रे इस तरह से इस मिरर पे, इस लेंस पे स्ट्राइक कर रही थी, अब वो इस तरह से मूव कर रही है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वी विल फाइंड कि ये जो आपका मिरर है, लेंस है, ये जो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, इसमें लाइट रे इस तरह से स्ट्राइक करती है और इस तरह से मूव कर जाती है। दिस इज पी, दिस इज बी, दिस इज सी। यू कैन सी दिस, ये कुछ इस तरह से मूव करती है। वी विल ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। ये ऐसा स्ट्राइक करके ऐसा मूव कर रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है, इट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो रही है मतलब लाइट इज गेटिंग डाइवर्ज्ड। तो यहां पे हमने क्या लिखा था? लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन।
सो यहां पे हम लिखेंगे लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती चली जाएगी और दूर होती चली जाएगी. सो वी विल से दिस कॉनकेव लेंस इज बेसिकली अ डाइवर्जिंग लेंस. इसलिए हम इस कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और इस कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि इस पे गिरने वाली लाइट रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देता है और ये इस पे गिरने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से अवे चली जाती है, दूर तरफ हो जाती है. दैट्स व्हाई दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. ओके, यू कैन नोट दिस.